हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई हम आपको बताने जा रहे हैं पटवारी की भाई वैकेंसी निकल चुकी है। पटवारी 2020 पद निकले हैं 4207, जिसमें लड़कियां और लड़के सभी फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पद है पटवारी का ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले, और जिसके पास हायर एजुकेशन किसी भी यानी किसी भी आपने किसी भी उस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट कर रखी हो, आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। सैलरी 44,000 समथिंग मिलती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो भाइयों हम आपको बताएं इसकी सारी जानकारी। आप पटवारी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन कब कर सकते हो, कितने तारीख तक कर सकते हो, साथ ही कितनी इसमें फीस लगेगी, इसकी सारी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों वीडियो अंत तक पूरे देखना। साथ ही आपसे निवेदन है भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हमारा चैनल है डीएल न्यूज़, इसको सब्सक्राइब, ये लिखा हुआ बटन है सब्सक्राइब को दबाकर यहाँ से सब्सक्राइब कर ले। जैसे आप सब्सक्राइब दबाओगे, ये घंटे का निशान आ जाएगा भाइयों साइड में, यहाँ आप देख रहे हो ये घंटे का निशान, जरूर दबाना। इसको दबाकर घंटे के निशान ऑल पर क्लिक कर देना, तो हमारा चैनल इस प्रकार सब्सक्राइब हो जाएगा। तो भाइयों अब हम आपको बताते हैं आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब देखिए भाई, ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। RSSMB ये लिखा हुआ है, RSSMB रिक्वायर्ड पटवारी जो 2020 की है। भाइयों आप यहाँ देख रहे हो, ये पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नीचे यहाँ आप जैसे ही देखते हो तो इसके लिए सारी जानकारी दे रखी है। नोटिफिकेशन आया है 5/12/2019 को, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 20/1/2020 को, और लास्ट डेट है 19/2, यानी कि इस फरवरी में 19 तारीख लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम फीस भरने की भी 19 तारीख लास्ट डेट है। तो ये इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। वही इसमें जनरल OBC के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। अदर स्टेट अगर आप पूरे देश में कहीं से भरना चाहते हो तो उनके लिए भी 450 रुपये रखी गई है। OBC के लिए 350 रखी गई है, और SC ST के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। यानी कि आप पूरे देश में कहीं के भी हो इस फॉर्म को भर सकते हो 450 रुपये फीस के साथ, जनरल उसमें है ना। थोड़ा नीचे जाते हैं तो इसमें पटवारी के पद लिख रहे हैं भाइयों। पटवारी में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से, या फिर डिप्लोमा आप कंप्यूटर साइंस का आपके पास होना चाहिए। 18 से 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक पटवारी का नोटिफिकेशन है, पूरा हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो भाइयों जिस प्रकार हम वेबसाइट खोलते हैं, आपको उसी प्रकार वेबसाइट खोलनी है। सबसे पहले तो गूगल खोल लेना है। गूगल में लिखना है सरकारी रिजल्ट। इस दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है भाइयों सरकारी रिजल्ट, तो हम उसी को खोलते हैं, सरकारी रिजल्ट। ये हमने सरकारी रिजल्ट गूगल में टाइप कर लिया, इसको हमने सर्च कर दिया भाइयों, ये गो कर दिया यहाँ से रिजल्ट, और ये गो। तो सरकारी रिजल्ट जैसे आप खोल लोगे, सबसे ऊपर जो वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट को आपको खोल लेना है। देखो भाई ये सरकारी रिजल्ट का सबसे ऊपर आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेंगे। क्लिक करके ओपन करते हैं, हम देखो साइड में जाते हैं तो ये लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट जॉब। इस लेटेस्ट जॉब में आपको सर्च करना है। देखो नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आएंगी ये RSSMB पटवारी ऑनलाइन फोरम, यहाँ आपको दिख रहा होगा RSSMB पटवारी ऑनलाइन फोरम, इस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लोगे आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन ये खुल जाएगा, और इसको नीचे जाओगे तो आप ये लिख रहा होगा, देखो भाइयों अप्लाई ऑनलाइन, ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन हमको करना है अप्लाई ऑनलाइन, तो हम क्लिक हियर पर कर देंगे अप्लाई ऑनलाइन, या क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक कर दोगे, ये आपसे राजस्थान साइन 1 की SSO ID मांगेगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो SSO ID बनानी होगी, और ये SSO ID यहीं से जनरेट होती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा भाइयों I forget, अगर आपके पास पहले से ये आप दोबारा इसको बनाना चाहते हो तो यहाँ से 2 क्लिक पर कर सकते हो, या फिर ये आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये चीज़ मांगेगा कि आप सिटीजनशिप से करना चाहते हो, आधार कार्ड से करना चाहते हो, भामाशाह से, आप फेसबुक से, गूगल से, जिससे भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, इससे कर कुरा के और आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर देना। इससे आगे भाइयों रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। जब ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, आप गूगल से भी कर सकते हो Gmail ID के द्वारा या फेसबुक से, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और ये फॉर्म भर देना। या फिर सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, आप ई-मित्रा कंप्यूटर की दुकान पर जाओ और वहाँ से इस फॉर्म को भर दो। पटवारी के पद निकल चुके हैं, 19 तारीख लास्ट डेट है। हमारा मकसद था आपको ये भर्तियों के बारे में बता दिया जाए और आप ऑनलाइन फॉर्म भर के इस भर्ती को देख सको। तो 4207 पद है भाइयों। आपसे निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों जैसे आप जाते हैं यूट्यूब पर तो वीडियो के नीचे एक लाइक का ऑप्शन आता है, लाइक करके हमें ज़रूर बता देना। वीडियो के नीचे कहीं पर भी आप वीडियो खोलोगे लाइक का ऑप्शन आता है। यह हमारा चैनल है DL न्यूज़,
सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके नीचे यह सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे घंटे का निशान आएगा साइड में, ये दिख रहे हो, इस घंटे के निशान को दबाओ तो इस पर ऑल पर क्लिक कर देना भाइयों, ऑल पर, तभी जाकर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो भाइयों आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अब भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, हम आपके कमेंटों का ज़रूर जवाब देंगे। भाइयों वीडियो को लाइक कर देना लाइक के बटन से, और वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के पास ताकि वो भी इसका फोरम भर सके, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना भाइयों। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही भाइयों, जय हिंद जय भारत।